गाइस देख सकते हो आज मैं पूरा रेडी में हूँ। ये मैं फोन से मैप लेके आ चुका हूँ, तो मैं बीच पे डाल के एक्सरसाइज करूँगा। और ये मेरा सेल्फी स्टिक और स्टैंड का जो रैम जो सब करने का तो उसका कवर है, तो स्टैंड तो लगाया अभी कैमरे। तो चलिए फिर मैं आपको बस स्टेप बाई स्टेप आपको बताता हूँ आपको क्या करता हूँ। पूरा इस ब्लॉग में आपको दिखाऊँगा एक्सरसाइज का ये और शूट कभी कैसे शूट करता हूँ मैं, तो विटामिन डी का क्या होता है, क्या कैसे रहता है पूरा मैं बताऊँगा उसको। विटामिन डी की तरफ से कहता है कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए इंसान, कितना जरूरी है, मैं पूरा बताऊँगा इस वीडियो पे। वीडियो को आखिर तक देखिए और इंतजार कीजिए अबू धाबी यूएई। अच्छा नज़ारा है, अभी दिखाता हूँ आपको, देखिए इतना अच्छा नज़ारा है, इधर बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, इधर काफ़ी अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हो। ये है अबू धाबी कॉर्निस जो बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है और सुबह का टाइम है, आज फ्राइडे है, काफ़ी अच्छा दिन भी है। सबको जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से आपको, तो देख सकते हो कितना खूबसूरत है, इधर काफ़ी लोग आते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, जो बहुत ही शांति वाला जगह है। मैं हमेशा इधर नाइट पे भी आता हूँ, मॉर्निंग पे भी आता हूँ, तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। तो चलिए दोस्तों फिर मैं आपको मिलाता हूँ अभी अगले पार्ट में, अगले वीडियो पे मैं आगे आपको आगे स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाऊंगा, सारा सब कुछ बताता जाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं और क्या एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो फिर मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और एक चीज़ मैं दिखाता हूं, ये देखिए ये है अबू धाबी का, दिखाता हूँ ये देखिए, ये जो होता है अबू धाबी का सबसे बड़ा इधर बिल्डिंग है, इसको डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड सेंट्रल बिल्डिंग बोला जाता है, ये अबू धाबी में सबसे बड़ा है और यूएई के अंदर ये सबसे बड़ा सेकेंड नंबर पे आता है बुर्ज खलीफा के बाद। ये आप देख सकते हो कितना ऊंचा है, काफी लंबा है, ये मेरे रूम के बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हो मैं इधर ही रहता हूँ उसके पास वाले बिल्डिंग पे, और अभी तो मैं फिलहाल आया हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, आप देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा अगले स्टेप बाय स्टेप में, अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगा मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूँ, कैसे वर्कआउट करता हूँ और इन्फॉर्मेशन की वीडियो भी शूट करना है। तो चलिए दोस्तों अगले स्टेप में मिलता हूँ, तो चलिए। ये देख सकते हो ये अबू धाबी का कॉर्निस रोड है, जो कि काफ़ी बड़ा रोड है और काफ़ी खूबसूरत भी है इधर का नज़ारा। इसके इस साइड पे देखोगे तो ये समंदर है, बीच है कॉर्निस का, तो ये पूरा फुल रोड गया है इधर, इतना लंबा है, खूबसूरत भी है, देख सकते हो उधर गाड़ी कितना स्पीड से आ रहा है। तो इधर से हमको आगे जाके क्रॉस करना होगा समंदर पर जाने के लिए, बीच पर जाने के लिए, उधर एक्सरसाइज करेंगे तो उधर वीडियो भी शूट करेंगे। तो ये देख सकते हो एक कॉर्निस का समंदर है। सो गाइस ये देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना ब्यूटीफुल है स्काई और काफ़ी ब्लू है स्काई, काफ़ी मस्त है। और ये आप देख सकते हो ये अबू धाबी का सबसे बड़ा बिल्डिंग है डब्ल्यूटीसी टावर, और सूरज भी अभी निकल चुका है काफ़ी तेज़ी से। और चलिए फिर स्टार्ट करेंगे अभी एक्सरसाइज भी और इन्फॉर्मेशन का वीडियो भी शूट करना है। तो आप देख सकते हो कितना लोग इधर आया है, रिलैक्स कर रहे हैं और माइंड फ्रेश कर रहे हैं। मॉर्निंग आपको मॉर्निंग वॉक पे आना चाहिए या फिर एक्सरसाइज करना चाहिए, हर इंसान को लाजिम ज़रूरी है ये। तो चलिए फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है इधर, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है मेरे को शूट करते हुए, और आज का दिन काफ़ी अच्छा मेरा जा रहा है। चलिए फिर मैं आपको आगे जाऊंगा, बीच पर दिखाऊंगा कैसा अंदर का नज़ारा है और कैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं। सो गाइस ये देख सकते हो अबू धाबी की कॉर्निस की सारी बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत है।
तो आगे आगे चलिए, थोड़ा करीब में इधर ही है बीच और समंदर, तो उधर ही जाके हम एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी मैं रास्ते पे ही जा रहा हूँ। राइड काफ़ी मजा आ रहा है शूट करते हुए, और कुछ लोग भी मिल गए थे मेरे को, बोले फोटोशूट करने के लिए थोड़ा फोटो उनका खींचा। कुछ कपल लोग थे तो वो लोग को थोड़ा फोटो चाहिए था, तो मैं खींच के दे दिया हूँ, क्लिक उनका कर दिया हूँ। काफ़ी अच्छा आया दोनों को। तो आगे आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या कर रहा हूँ आगे जाके। तो चलिए आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा नज़ारा है इधर, काफ़ी खूबसूरत है ये अबू धाबी का कॉर्निश है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आगे, इधर जाओगे तो देखो इधर इधर ही कॉर्निश है, समुंदर के बीच में अब देख सकते हो शायद। चलो मैं पास जाके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हो और सब फाइव स्टार होटल शॉप है, काफ़ी खूबसूरत है। चलिए फिर मिलते हैं। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, दुबई में जितना गाड़ी देख रहे हो ना आप, उतना पार्किंग रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाता है। अब देखो कितना गाड़ी लाइन से पार्किंग पे लगा है, यहाँ पे जगह नहीं मिलता पार्किंग के लिए, किधर रखा जाए गाड़ी, बहुत ही ढूंढना पड़ता है। और मिल जाता है पार्किंग लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ता है, और इधर अगर पार्किंग सही जगह पे नहीं लगा तो पार्किंग का पे नहीं किया तो तुमको फाइन लगेगा, कम से कम 200 या फिर 400 लग जाता है, 400 दिरहम जो काफ़ी इंडियन मनी से काफ़ी 8000 तक ऐसा आ जाता है। 400 अगर लगा तो 200 लगेगा तो 4000 तक आ सकता है। तो देखिए आप कितना लाइन से पार्किंग हो जाए, सजा के लगाए हुए लोग, सारा कार इधर मिल जाएगा तुमको, हर मॉडल का, जो मॉडल के थोड़े को इधर मिल जाएगा कार। तो दुबई में भाई कार मिलना आम है, और पार्किंग का पे करना जबरदस्त भाई पे करते हो पार्किंग जो भी कार रखी है, तो दुबई में कार का पार्किंग पे करना लाजिम चाहिए, अगर नहीं पे करोगे तो उनको फाइन लग सकता है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लोग सजा के पार्किंग रखी है, बहुत ही अच्छा कंट्री है अबू धाबी और दुबई जो होता है यूएई के अंदर है, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप अगर इधर विजिट करना चाहते हो तो आगे विजिट करिए, काफ़ी मज़ा लीजिए। मैं तो इधर 6 साल से हूँ, काफ़ी मज़ा ले चुका हूँ, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको। सो गाइस ये देख सकते हो जेब्रा क्रॉस है, तो लाजिम जेब्रा क्रॉस भी क्रॉस करना चाहिए, नहीं तो आपको फाइन लग सकता है 400 दिरहम, क्योंकि रॉन्ग आप अगर रॉन्ग तरीके से अगर आप क्रॉस करोगे तो फाइन मिलेगा। इधर आप देख सकते हो। सो गाइस देख सकते हो कितना लाइन लगा है, लोग रनिंग चैलेंज यहाँ कर रहे हैं, आर्नव की तरफ से है रनिंग चैलेंज, रनिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट किए हैं। देख सकते हो पूरा रोड एक अभी है, बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट इसमें हिस्सा लिए हैं, रनिंग चैलेंज आप रहे थे, तो काफ़ी अच्छा है। चलती रहिए भाई, देखो हेल्थ के लिए लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, और आप भी हेल्थी रहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थी डाइट कीजिए और अच्छे से जीने का कोशिश कीजिए। सो भाई देखो एम्बुलेंस साथ है, लोग हैं दौड़ रहे हैं। हाउ आर यू? गुड गुड, वेलकम, एंजॉय एंजॉय, स्टे हेल्दी। फाइनली आई विजिट अबू धाबी कॉर्निश बीच, सो समंदर के पास में आ चुका हूँ। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है इधर का नज़ारा, काफ़ी मज़ा है भाई, मज़ा है। आप देख सकते हो ये है अबू धाबी का 5-star होटल, ये सबसे बड़ा होटल है इधर का, तो आप देख सकते हो। तो ये इधर आपको आपको दिखाई देगा इधर सबसे बड़ा बिल्डिंग अबू धाबी का, ये है आप देख सकते हो इधर काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है इधर का, देखिए। और ये बोर्ड जा रहे हैं इधर देख सकते हो, रोड जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है इधर का नज़ारा। इधर हम थोड़ा शूट कर लेंगे, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ क्या शूट करता हूँ बताऊंगा अभी आगे आगे आपको। सो गाइस थोड़ा होटल का धूप आ चुका अभी, चलिए फिर मैं शूट करता हूँ, तो काफ़ी धूप आ जाएगा, शूट करने में तो परेशानी होगी। चलिए
वाओ क्या ब्यूटीफुल है भाई, वाओ। प्लेन सब जा रहा है तो इसको फायर बोलते हैं जो प्लेन के द्वारा होता है। क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला भाई, जबरदस्त है। आप देख सकते हो काफी अच्छा है भाई, इसको बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हो कितना प्लेन जा रहा है, बता रहा हूँ, देख रहे हो, देखो जूम कर रहा हूँ, देखो वाओ। अब देख सकते हो अभी राउंड होके आएगा वो, वाओ क्या खूबसूरत है। तो इसको बोलते हैं फायरवर्क। आप इसको जो प्लेन के द्वारा होता है इसको करते हैं रॉकेट के द्वारा। तो देख सकते हो काफ़ी रंगीन रंगीन हो चुका है नज़ारा। तो गाइज आप देख सकते हो मैं एंटर कर चुका हूँ बीच पे, और इधर जो एंट्री है वो रूल के हिसाब से होता है, और अभी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से होता है। जो अभी ये लोग कुछ लोग निकल जाएंगे, फिर ये लोग हिसाब से छोड़ते हैं, काउंटिंग करके छोड़ते हैं, जो कुछ लोग अंदर छोड़ते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं निकल जाते हैं, फिर कुछ लोग को ये लोग एंटर करते हैं। क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, इससे पहले ऐसा नहीं था, ये बात में अभी कोरोना के बाद ऐसा रूल हुआ है। तो कुछ लोग अंदर जाते हैं, फिर वो लोग कुछ टाइम देते हैं उन लोग को, फिर वो लोग को निकाल देते हैं, फिर दूसरे लोग को अंदर भेजते हैं। तो अभी तो फिलहाल सुबह के टाइम इतना आदमी कोई नहीं रहते, मोस्टली इवनिंग में आते हैं, तो हम लोग आते हैं सुबह पे। तो आप देख सकते हो कुछ लोग हैं इधर अभी, तो मुश्किल नहीं है मुझे, मैं अभी काफ़ी देर तक कुछ इधर शूट कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी ऐसा रूल है इधर, जो कुछ लोग को एंटर करते हैं काउंटिंग करके, फिर बाहर निकालते हैं उन लोग को, फिर दूसरे लोग को अंदर छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है बीच भाई, ये अबू धाबी का कॉम्प्लेक्स बीच है। और इस साइड पर देखो काफ़ी अच्छा अच्छा बिल्डिंग है, ये डब्ल्यू सी बी टावर है, मैं आपको जो पहले भी दिखाया वही है। चलिए शूट करते हैं, इस तरह से पास लेके जा रहा हूँ आपको, ये देखते हैं। आप देखो ये खूबसूरत है इधर, मेरे को अभी शूट करना है, एक्सरसाइज भी करना है, मैट भी छा के, और इन्फॉर्मेशन का वीडियो भी शूट करना है। तो काफ़ी आपको फ्री में मैं आपको दिखा रहा हूँ अब अभी इतना खूबसूरत तरीके से। तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, आप नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फिर कौन करेगा? मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। आप ही नहीं सब्सक्राइब कर दो कौन करेगा? तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन बटन को, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन और ऐसा ब्लॉग जब मैं बनाऊँ तो आपके पास आता रहे, और आप इंजॉय करते रहो, इंटरटेनमेंट आपको मिलता रहे। तो आप देख सकते हो ये अबू धाबी का गवर्नमेंट बीच है। तो चलिए रखते हैं फिर, ये आप मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस साइड पर काफ़ी लोग भी हैं बैठे हुए, इस साइड पर मैं दिखाता हूँ। देखिए काफ़ी पानी करीब से आ रहा है, आप देख सकते हो मजा आ रहा है। जिम के रख वाले हैं, सिक्योरिटी रहते हैं ये लोग, तो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, देखते हैं कुछ मुश्किल होता है या नहीं, देख सकते हो काफी अच्छा मजा आ रहा है। यो अल्लाह भी अबू धाबी, अल्लाह भी अबू धाबी, तो हर कोई बंदा इधर आके कह सकता है आई लव यू अबू धाबी, क्योंकि ऐसा जगह ही ऐसा है। तो आप देख सकते हो, तो चलिए फिर मैं आपको शूट करके बताता हूँ, एक्सरसाइज भी करना है मुझे, और एक्सरसाइज भी करना है अभी, वही मैच बिछाऊंगा, वही एक्सरसाइज करूंगा मैं, देख सकते हो। चलो भाई रेडी हो जाओ एक्सरसाइज करने के लिए, पसीना बहाते हैं भाई, फिट रहना जरूरी होता है, वरना यूनाइटेड स्टेट में अगर आप रहते हो तो फिट नहीं हो तो बहुत ही मुश्किल है भाई आपके लिए, काफी प्रॉब्लम आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड आ सकता है, बढ़ सकता है, और आपको डायबिटीज भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और एंजॉय कीजिए अपना लाइफ, लाइफ बहुत छोटा है, कब क्या हो पता नहीं, तो लाइफ को हमेशा एंजॉय करना चाहिए और हंसी खुशी से जीना चाहिए, रहना चाहिए। चलिए फिर मैं आपको एक्सरसाइज करके शूट करके बताता हूँ, हर वीक मैं आपको मिलूंगा इधर एक्सरसाइज के, नया नया जो एक्सरसाइज का टिप्स होता है और वर्कआउट का टिप्स होता है मैं आपको बताऊंगा इधर आके। तो भैया मैं अपना जो जिम का सेट है मैं पूरा रूम पे भी रखा हूँ, जिम जिस दिन नहीं जाता हूँ तो रूम पे कर लेता हूँ, अगर रूम पे दिन ना हो तो फिर मैं इधर बीच पे आ जाता हूँ, बीच पे एक्सरसाइज करता हूँ, तो एक्सरसाइज करना चाहिए आपको लाजिम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज पे, यो तो भाई चलिए शुरू करते हैं, मैं तो दोस्तों मेरा व्लॉग खत्म हो चुका है, और जो मेरा शूटिंग था वो सब मैं खलास कर चुका हूँ, और सब कुछ हो चुका है मेरा, जो आज मेरा इन्फॉर्मेशन का वीडियो था वो भी शूट हो चुका है। तो चलिए मैं वीडियो व्लॉग को खलास करता हूँ, और
आगे मिलेंगे आपको एक और एक ऐसे वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन बटन, ऐसे नोटिफिकेशन तो आपको मिलती रहेगी और ऐसा मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, ऐसा ही ब्लॉग बनाता रहूँगा, ऐसे ही आपको इंटरव्यूमेंट करता रहूँगा। तो चलिए एक बार दोस्तों घुमा देते हैं आपको पूरा अबू धाबी, देखिए घुमा देते हैं आपको अबू धाबी पूरा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा फिर बाथिंग का ऐसा सबका बनाएंगे, स्विमिंग का बनाएंगे, तो चलिए आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए और हेल्थी लाइफस्टाइल जीने का कोशिश कीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, काम कीजिए, डिप्रेस हटाइए और एंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, बस लाइफ को अच्छा रखिए, दूसरों का मदद कीजिए और दुनिया में कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, बस एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए और लोगों का अच्छा कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में।